मैं जानता हूं कि आज से पहले भी आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, टॉप स्ट्रेटजी, टॉप सीक्रेट और बहुत सारी इस टाइप की वीडियोस। उसके बाद आपने तीन टाइप के एक्शंस लिए होंगे, या तो आपने नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर दिया होगा, या फिर आपने रियल में अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट किया होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद आपका सारा मोटिवेशन गायब हो गया होगा। और बहुत ही कम चुनिंदा बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी अपनी कोडिंग जर्नी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो यार ये होता क्यों है, आज मैं इसके रूट कॉज पे भी जाऊंगा। जो इस वीडियो का मकसद है वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना होगा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए, इंट्यूशन जगाना होगा कि इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इन सबको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ ईजी बने। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बात करूंगा हाउ आई मास्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जैसे कि हम जानते हैं वी लिव इन अ इंफॉर्मेशनल एज, रोज इतना सारा डेटा रोज क्रिएट हो रहा है, डेटा पे डेटा क्रिएट हो रहा है। आप मुझे देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो बनाई, ये डेटा क्रिएट हुआ, आप वहां से वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, या आप सिर्फ कितनी देर उस वीडियो को देख रहे हैं उससे भी एक डेटा क्रिएट हो रहा है। तो जब इतना सारा डेटा क्रिएट होता है तो इसको स्टोर, इसको रखने के लिए कुछ करना है हमें। इसको एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। मान लो आप एक दुकानदार हो, आपने नई नई दुकान खोली है और आपके यहाँ बहुत सारा सामान आया। मान लो आज चीनी आई आपने दुकान में डाल दी, ऐसी आपके यहाँ रसने का पैकेट आया आपने डाल दिया, बेसन आया आपने डाल दिया, ऐसी बहुत सारा सामान आया, आप भरते जा रहे हो अपनी दुकान के अंदर। अब जिस दिन आपके दुकान का कार्यक्रम था, स्टार्ट हुई आपकी दुकान, उस दिन एक कस्टमर आता है, कहता है भैया कल रात मैं शादी में गया था, अभी पेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो एक इनोवा पैकेट दे दो। तो आपने कहा अभी रुको, अभी लेके आता हूँ। तो आप अपनी दुकान में ढूंढने जा रहे हो कहाँ मैंने एक इनोवा पैकेट रखा है, क्योंकि आपने सामान तो रखा और ऐसी फेंक दिया अंदर, पर स्टोर करके रखा है। तो आप ढूंढते जा रहे हो कहाँ रखा है इनो, 15 मिनट बाद आपको वो पैकेट मिला। अब आप कस्टमर को देने गए तो आपने देखा कस्टमर तो भाग गया 15 मिनट, वो क्यों वेट करेगा इतनी देर। तो अगर वहीं पे वो दुकानदार या आप सारे सामान को एक ऑर्गेनाइज वे में रखते अपनी दुकान में, मान लो चीनी को चीनी की जगह, रसना को रसने की जगह, कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक की जगह, और जब भी कोई कस्टमर आए कुछ भी मांगे आपको पता होगा कौन सी चीज मैंने कहां रखी है। तो इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है डिजिटल वर्ल्ड में। डेटा तो बहुत सारा आ रहा है, क्या मैं उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में रख पा रहा हूँ, क्या मैं उसे प्रॉपरली स्टोर कर पा रहा हूँ। प्रॉपरली स्टोर करने का मतलब क्या है, क्या मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, मैं उसको क्या फेच कर पाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो ये मतलब है उसका डेटा स्ट्रक्चर का। सिंपल सा मतलब, जैसा नाम है डेटा और उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा ताकि मैं उसको इजीली प्रोसेस फेच वगैरह कर पाऊं। अब डेटा को हम क्यों स्टोर करना है, ताकि हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो कम से कम आए, ठीक है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो कम से कम आए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहुत सारी रिसोर्सेज यूज हो, मान लो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आई है तो मेरी ज्यादा से ज्यादा सर्वर्स यूज होंगे, हार्ड डिस्क वगैरह यूज होंगे, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बहुत हाई आ रही है तो मेरे प्रोसेसर उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे, उससे भी प्रोसेसर का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें इस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, इस तरीके से अपना डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है कि वो प्रॉपरली यूज हो। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं एरे की, एरे 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 एरे, ओके। मान लो हमारे पास वेरिएबल थे, ऑलरेडी थे ना वेरिएबल जिसमें मैं डेटा को स्टोर कर सकता था, हम एरे पे क्यों जंप किए, खुद से ही क्वेश्चन पूछो क्यों जंप किया, क्या लिमिटेशन दी वेरिएबल्स की। मान लो मेरे पास 10 वेरिएबल थे, मैं बना सकता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी करके, मान लो मेरे पास 100 वेरिएबल हो, क्या मैं इंडिविजुअली सबको डिक्लेयर करता जाऊंगा। मान लो 1000 हो गए, 1 करोड़ हो गए, तब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तब मुझे एरे ही यूज करना पड़ेगा, वहां पे मैं उसका साइज डिक्लेयर कर सकता हूँ। एरे को एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास एक बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग है, उसमें आपके पास 20 कमरे हैं और आपके यहाँ सामान आया, तो आपने क्या करा, उस सामान को स्टोर कराना स्टार्ट किया। कुछ सामान तो आपने फर्स्ट रूम पे रखा, अगर बच गया तो सेकंड रूम में, फिर भी बच गया थर्ड रूम में, तो आपने देखा ना आप कंटिन्यूस वे में सारे सामान को स्टोर कर रहे हो। तो यही एरे का कॉन्सेप्ट भी डिजिटल वर्ल्ड में यूज हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं मार्केट में रिसेशन चल रहा है और जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स है, जो ट्रेंड है, वो सिर्फ डीएसए पे फोकस नहीं कर रहा है, वो डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहा है। उसके लिए खुद को स्किल बनाना पड़ेगा, अब स्किल करना पड़ेगा। तो मेरे पास आपके लिए एक वंडरफुल रिसोर्स है स्किल अप बाय सिंपली लर्न, जहां पे बहुत सारे कोर्सेज जो कि वेल क्यूरेटेड हैं, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट और टॉप प्रैक्टिशनर एट प्रीमियम इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं और सबसे बढ़िया बात ये क्वालिटी कोर्सेज हैं। तो आप जिस भी स्किल को एक्वायर करना चाहते हैं, वो AI हो, ML हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डेटा साइंस हो, बिग डेटा हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उससे रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं।
आपके पास 90 डेज होंगे किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको मिलेगा एक जॉब रेडी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसके साथ ही आप स्केल अप बाय सिंपली लर्न के मोबाइल ऐप को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे क्विजेस, लेक्चर्स, बाइट्स और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मुझे पक्का बताएं आप कौन सी स्किल्स को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो बैक टू द वेट। अब मान लो आपके पास 100 करोड़ का खजाना है, आपने कहीं से लूटपाट मचा के 100 करोड़ का खजाना इकट्ठा कर लिया। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि सारा खजाना वहीं स्टोर करें, अब आप चाहते हो यार इसको मैं थोड़ा छुपा के रखूं। तो आपने क्या करा, मान लो मैं उत्तराखंड से हूं, तो मैंने बोला यार चलो 20 करोड़ का खजाना मैं उत्तराखंड में छुपा देता हूं, 20 करोड़ का दिल्ली में, 20 करोड़ का मुंबई में, 20 करोड़ का हैदराबाद में, 20 करोड़ का चेन्नई में। अब मुझे ये भी डर है अगर मैं इनका एड्रेस कहीं किसी कॉपी में लिख दूं तो वो कॉपी भी चोरी हो सकती है। तो मैंने क्या करा यार, मैं उत्तराखंड का एड्रेस याद कर लेता हूं, अब बाकी वाले एड्रेस को मैं लिंक कर दूंगा। कैसे? मान लो मैंने 20 करोड़ का खजाना अपने उत्तराखंड में छुपाया और मैंने दिल्ली में भी छुपाया, तो मैंने दिल्ली वाले लोकेशन अपने उत्तराखंड वाले सामान के साथ ही लिख दी कि मेरा अगला सोना दिल्ली में छुपा है। एग्जैक्ट लोकेशन लिख दी कहां पे छुपा है, मान लो सलोनी नगर छुपा है, तो वहां की लोकेशन मैंने लिख दी। अब दिल्ली वाले में मैंने वही करा, दिल्ली वाले में मैंने सोना भी छुपाया, उसके साथ अपने मुंबई वाले का एड्रेस भी छुपाया। सेम मैंने मुंबई के लिए भी किया कि मुंबई में मैंने सोना भी छुपाया, उसके साथ मैंने एड्रेस भी छुपाया वहीं पे कि मेरा हैदराबाद में भी सामान है। तो यही कॉन्सेप्ट पूरा यूज हुआ है अपना कहां, लिंक लिस्ट में। तो यार यही है पूरा कि जो चीजें हमने रियल वर्ल्ड में यूज करी है कि किस तरीके से मैं चीजों को रखता हूं, ऑर्गेनाइज करता हूं, वो सेम चीज मैं डिजिटल वर्ल्ड में भी लिया है, मैं किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। अभी और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लो कि आप एक बैंक में हो, पुराने जमाने में क्या होता था, लोग बैंक में जाते थे, कोई कहता था अरे भैया मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाल दो, कोई कहता था 200 रुपए डाल दो, कोई कहता था मुझे 50 रुपए निकालने, और एक जो वहां पे बैठा है बैंक पीओ वो तो परेशान हो जाएगा यार भाई कितना काम है, सब आए जा रहे हैं, सब चढ़ रहे हैं उसके ऊपर। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला, तो उन्होंने बोला यार जो पहले आएगा वो लाइन पे लगेगा और जो उसके बाद आएगा उसके पीछे लगेगा। तो एक लाइन क्रिएट हो गई, एक क्यू क्रिएट हो गई। तो ये सेम क्यू यूज होता है कहां पे, अपने डेटा स्ट्रक्चर में। क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। अब ये कहां पे यूज होता है हमारे डिजिटल फॉर्म में, आप जब मैसेज भेज रहे हैं, आपने किसी को मैसेज भेजा, पहला मैसेज भेजा मान लो ऑफलाइन है, फिर आपने दूसरा मैसेज भेजा, फिर आपने तीसरा मैसेज भेजा, तो वो सारे मैसेज एक क्यू फॉर्म में जाएंगे। पहला मैसेज स्टोर होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जैसे वो बंदा ऑनलाइन आएगा तो पहला मैसेज उसे रिसीव होगा, फिर सेकंड मैसेज रिसीव होगा, फिर थर्ड मैसेज रिसीव होगा। तो एक क्यू फॉर्म में, पूरा एक प्रॉपर फॉर्म में हो रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं, मान लो आप शादी में गए हो, शादी में आपने देखा होगा प्लेट कैसे लग रही थी, एक प्लेट उसके ऊपर दूसरी प्लेट, उसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से प्लेट का पूरा चक्कर रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैक, मतलब प्लेट को रखने का एक तरीका है। तो सेम चीज हमारे कहां यूज होती है, डिजिटल वर्ल्ड में भी यूज होती है, होती है ना डिजिटल वर्ल्ड में। कैसे यूज होती है, मान लो आप किसी ब्राउजर में, मान लो आप YouTube भी चला रहे हैं, आपने पहले मेरा वीडियो देखा, फिर आपको वहां पे बगल में एक सजेशन आया किसी नई वीडियो का, वायरल वीडियो, आपने उस पर क्लिक करा, फिर आपको एक और वीडियो का आया, एक और वायरल वीडियो, आपने उस पर भी क्लिक कर दिया। अब आप चाहते हैं यार कि आप मेरे वीडियो में वापस आए रोहित नहीं भैया के, तो आप वहां पे रहता ना पीछे जाने का ऑप्शन, ऐसा करके ऑप्शन, तो आपने उस पर क्लिक किया, आप पीछे गए, तो वहीं पे पूरा स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि स्टैक आपस में भरता जाएगा, मेरी वीडियो का लिंक, फिर आपने दूसरा वीडियो देखा उसका लिंक उसके ऊपर, फिर आपने तीसरा जो वायरल वीडियो बोला उसका लिंक, ठीक है। जैसे ही आप बैक करोगे इस वाले लिंक को डालेगा, इस वाले लिंक पे जाएगा, फिर इसको हटाएगा, फिर इस पे जाएगा। इस तरीके से स्टैक का यूज होता है रियल वर्ल्ड में। या फिर आपने अंडू ऑपरेशन देखा होगा, है ना, वहां पे भी हम स्टैक यूज करते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूं किस तरीके से इन चीजों का यूज हुआ है रियल वर्ल्ड में और हमारे डिजिटल वर्ल्ड में। ये सब कुछ हमने अपने रियल वर्ल्ड से ही उठाए हैं। हम बात करेंगे ट्रीज की, हम बात करेंगे ग्राफ्स की, हम बात करेंगे प्रायोरिटी क्यू की, प्रायोरिटी क्यू क्यों आई है। सोचा कभी, मान लो आप बैंक में गए हो, वहां पे लाइन लगी है, कोई वीआईपी आदमी आया, वो उस ब्रांच का एक वीआईपी इंसान है, वो थोड़ी ना लाइन पे लगेगा वहां पे। मान लो वो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करेगा, आपको लगता है कि वो वहां पे लाइन पे लगेगा? नहीं। तो वहां पे प्रायोरिटी क्यों कैसे मालूम है कि वो जैसे ही आएगा वो सबसे आगे जाएगा लाइन में, वो उसके नियम है, रूल है। तो है तो वही चीजें हमारी यूज हुई है कहां पे, डिजिटल वर्ल्ड में, जहां पे कई रिक्वेस्ट ऐसी होती है सर्वर के लिए जो बहुत ही क्रिटिकल होती है, तो हम चाहते हैं कि वो उनको हम पहले टैकल करें, ना कि बाकी हो। आई थिंक आपको इंट्यूशन समझ आई होंगी कि एरे की क्या लिमिटेशन थी कि मुझे लिंगलिस्ट में जाना पड़ा, या फिर लिंगलिस्ट की क्या लिमिटेशन है कि मुझे एरे यूज करना पड़ता है, या फिर उनकी जगह स्टैक यूज करना पड़ता है, या फिर उनकी जगह क्यू यूज करना पड़ता है, कहां पे मुझे प्रायोरिटी क्यू यूज करना है। इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। तो व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है भैया, एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम सिंपल सा है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज फॉलोड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं
जो किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, तो वहीं पे हम एल्गोरिथम यूज करते हैं। चलो इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से करते हैं। मान लो हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसपे मैं मीनिंग ढूंढने वाला हूँ वर्ड डेवलपमेंट का, तो हम क्या करते थे, हमारे पास डिक्शनरी होती थी, हम उसे खोलते थे। अगर मान लो उसमें आया है एच वाला कॉलम, तो मुझे पता है वो इस साइड को होगा, लेफ्ट साइड को, तो हम फिर लेफ्ट साइड को खोलते थे। अगर लेफ्ट साइड में नहीं है तो किधर खोलेंगे, राइट साइड में। सेम कॉन्सेप्ट हमने रियल वर्ल्ड का कहां उठाया है, अपने डिजिटल वर्ल्ड में, जहां पे हम यूज करते हैं इसी एल्गोरिथम को, बोलते हैं हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, बाइनरी वे में, या तो इस हाफ में होगा या फिर इस हाफ में होगा। तो यहाँ पे एक चीज होना बहुत ही नेसेसरी है, क्या होना चाहिए, जब भी हम कुछ चीज देख रहे हैं वो एक सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब एक या वो इंक्रीज फॉर्म में हो या वो डिक्रीज फॉर्म में हो, ऐसा ना हो कि रैंडमली हो, किसी भी तरीके से अरेंज हो, तो वहीं पे हम बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो जब डेटा बढ़ता जाता है तो हम चाहते हैं कि हम ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम लिखें, ताकि वो जल्दी डेटा हम फटाफट ढूंढ पाए, जल्दी से निकाल पाए, उससे एक मीनिंग क्रिएट कर पाए। तो हम इन चीजों को समझेंगे टाइम के साथ ही, कि मैं इस एल्गोरिथम के साथ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा कि मुझे ऑप्टिमाइज कोड में लिख पाऊं। ओके, एल्गोरिथम कहां पे आएगा, वो रन टाइम पे यूज होगा। तो यार जब भी मैं अपनी कोडिंग जर्नी को पढ़ रहा था, तो मैं खुद से ना ये क्वेश्चन पूछता जाता था, और ये मुझे सिंपल तरीका लगा अपनी कोडिंग जर्नी को मास्टर करने में, कि खुद से क्वेश्चन पूछो, इस टॉपिक के लिमिटेशन क्या है उनको मैं खुद ढूंढता था। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते जाओ कि यार ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूं, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, फिर आप उसकी लिमिटेशन जानोगे। इस तरीके से आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि यार अभी मैंने स्टैक खत्म कर लिया है, अब शायद मैं अगला टॉपिक ट्री पढ़ूंगा, अच्छा ट्री का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा था। अगर आप इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे तो आपको इजीली मास्टरी होगी, और यही सिंपल सा रूल मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट किया और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले। तो मैं चाहता हूं आप तीन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें जब भी आप अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, डोंट कंपेयर योर फर्स्ट डे विद समवन्स 100 डे। अपने फर्स्ट डे को किसी के 100 डे से कभी कंपेयर मत करो, क्यों, कोई बंदा अगर 100 दिन से कोडिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कोडिंग आपसे बेहतर होगी। हमारी एक आदत होती है कि हम खुद को सीधा बेस्ट से कंपेयर करने लग जाते हैं, फिर क्या होता है, डिमोटिवेशन आता है। तो किसी से कंपेयर नहीं करना, कोलैब करो, कोलैबोरेट करो। अगर आपका दोस्त कोई कोडिंग नहीं करता, उससे भी बोला यार चलो कोडिंग स्टार्ट करते हैं साथ में, ग्रुप पेयरिंग करो, ठीक है, ताकि आपकी जो कोडिंग जर्नी है वो थोड़ी इजी और एक स्मूथ वे में आगे बढ़ पाए। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना, पहला ये पॉइंट अपने दिमाग में डाल लो। सेकंड पॉइंट, डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर स्ट्रेटजीज। अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर विश्वास रखो, दूसरों के स्टडी से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि पड़ोस के आंगन की घास बहुत ही हरियाली है। हमारे साथ ये बहुत बार हुआ होगा कि जब हम कॉलेज में रहे होंगे या स्कूल में रहे होंगे, कि मैंने सुना अच्छा मेरे दोस्त को पायलट बनना है तो मुझे भी पायलट बनना है, अच्छा मेरे दोस्त को आर्मी में जाना है इसलिए मुझे भी आर्मी में जाना है, मेरे दोस्त को इंजीनियर बनना है इसलिए मुझे भी इंजीनियर बनना है। दूसरों की स्टडी सुन के आपको लगेगा कि यार उसकी स्ट्रेटजी बढ़िया है, उसकी गोल्स बढ़िया है, वो इजी है। ये कभी नहीं करना, जो आपकी स्ट्रेटजी, जो आपके गोल्स हैं उस पे आप स्टक करें, आपको ये फेथ होना चाहिए ये मेरे लिए काम करेगा। आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने देखा होगा कि लोग बहुत लड़ाई करते हैं, कोई कहता है कि यार ओपन सोर्स करो, कोई कहता है सीपी करो तभी आपका प्लेसमेंट लगेगा, दोनों कहते हैं। अब मैं कहूं मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया फिर भी मेरा अच्छा खासा प्लेसमेंट लग गया, तो कभी भी ना ये मत सोचो कि यही स्ट्रेटजी काम करी, यही स्ट्रेटजी काम करी। हो सकता है जो आपकी स्ट्रेटजी हो वो आपके लिए काम करे, क्योंकि हर एक पर्सन अलग होता है, हर एक पर्सनैलिटी अलग होती है, इसलिए हर एक स्ट्रेटजी उस पर्सन के लिए भी अलग होगी। तो अपनी स्ट्रेटजी में हमेशा भरोसा रखें। तो थर्ड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस जर्नी के दौरान आप बहुत बार डिमोटिवेट फील करोगे, प्रेशर भी आपको बहुत आएगा। हाँ, अगर आप ना तो डिमोटिवेट फील कर रहे हो ना आपको प्रेशर आ रहा है, या तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, या तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, इनमें से एक चीज पक्का होगी। लेकिन आपको अगर ये बाकी चीजें आ रही है तो ये बहुत ही नॉर्मल है, मैं आपको बता दूं ये सबके साथ होता है। हाँ, ये नहीं कि आप इसी चीज पे अटके हो कि आपने एक हफ्ता दो हफ्ते बर्बाद कर दिए कि भाई मैं तो आगे ही नहीं बढ़ रहा हूं, मैं यही अटक के रह गया हूं। तो यार मैंने ना कुछ एक वीडियो बनाई है अवॉइड दीज 10 कोडिंग मिस्टेक्स की, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यार इसी की तरह मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो उसके साथ ही आप स्केल अप बाय सिंपली लर्न को भी चेकआउट कर सकते हो, उनकी वेबसाइट में जाके आप अपनी डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, खुद को एक जॉब रेडी बना सकते हो, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't up.